कनवारा खदानों के आगे अधिकारी हुए नतमस्तक, सक्षम अधिकारी बेखबर। बांदा जनपद में लाल सोने की लूट रुकने का नाम नहीं ले रही। बालू खदान संचालक असलोह की चोर पर स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर अवैध खनन करा रहे हैं। वहीं प्रशासन मुख बगीर बन बालू माफियाओं के सामने नतमस्तक बना हुआ है। जनपद की बालू खदानों में लाल सोने की लूट इस कदर हो रही है कि दिन रात ओवरलोड ट्रक राटे भर रहे हैं। जब ओवरलोड ट्रकों के विषय में संबंधित अधिकारियों से बात की जाती है तो वह मुंह फिरा लेते हैं। वही हौसला बुलंद बालू माफिया असलहों के चोर पर दिन रात अवैध खनन करा रहे हैं। यदि कोई ग्रामीण उसका विरोध करता है तो उसे असलहों की नोक पर शांत करा दिया जाता है। मुख्यालय के 10 किलोमीटर दूर पथरी गांव स्थित बालू खदान और कनवारा खंड एक में दबंग बालू माफिया पूरे गांव और दुरेड़ी गांव में असलहों की नोक पर रखे हुए हैं। यहां पर दिन रात भारी भरकम मशीनों से नदी का सीना चीरा जा रहा है। बालू की लूट मचाने वाले माफिया प्रशासनिक अधिकारियों को मैनेज कर सैकड़ों की संख्या में बिना रवाना के ओवरलोड ट्रक पास करा रहे हैं। यदि स्थानीय ग्रामीण व क्षेत्र के लोग अवैध खनन तथा परिवहन का विरोध करते हैं तो बालू माफिया उनके सीनों में असले लगाकर जानमाल की धमकी देकर उन्हें शांत करा देते हैं। इस संबंध में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की जाती है तो वह जवाब देने की बजाय मुंह फिरा लेते हैं। इसी तरह कनवारा खंड एक में बड़ी बड़ी ओपलांट मशीनों से पानी रोककर अवैध खनन किया जा रहा है। जलधारा रुकने से ग्रामीण वासियों लगे हुए नदी किनारे हर सब्जी आदि का भारी नुकसान हो रहा है। देखा जाए तो उन खदानों में एनजीटी का भारी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहां से लगातार ओवरलोड पानी भरे ट्रक सरपट भागे जाते हैं जिससे कि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। वहां के लोग ने बताया कि ट्रकों से स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत कई महीनों से यहां हो रहे खनन में बड़े बड़े ट्रक आते हैं और ऊपर तक बालू भरकर एवी से निकलते हैं जिससे कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। नहीं एक्सीडेंट को कोई भाव दिया जाता है, अवैध और इन बालू माफियाओं द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जाता। इस संबंध में अधिकारियों से भी उनके द्वारा कई बार गुहार लगाई गई कि नियम विरुद्ध चल रहे ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाई जाए, लेकिन इन बालू माफियाओं के बिके हुए अधिकारी उन लोगों की एक भी नहीं सुनते। अगर इस तरह के अवैध खनन और ट्रकों पर रोक नहीं लगी तो स्थानीय लोग इकट्ठे होकर जिलाधिकारी के यहाँ प्रदर्शन करेंगे। खनन तथा परिवहन के सवाल पर खनिज अधिकारी सुभाष सिंह कहते हैं कि जनपद में अवैध खनन व परिवहन नहीं होता, यदि कहीं ऐसे मामले पाए जाते हैं तो देखा जाएगा। जी न्यूज इंडिया से ब्यूरो चीफ माया तिवारी, बांदा।